हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम। आप देख रहे हैं रमजान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए राइट सर्कुलर कोन यानी कि लंबवृत्ताकार शंकु। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है लंबवृत्ताकार शंकु का, जिसमें हम लोग बेसिक्स करेंगे और पार्ट टू में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस करेंगे। अगर आप लोगों को पार्ट टू देखना है तो काइंडली ऊपर के आई बटन पे जाइए, जहां पर आपको सेकंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल के जरूर चेक कीजिए, जहां पर सारे वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। सारे वीडियो जो आप लोगों को देखना है जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे, हम एकमात्र YouTube चैनल है जो अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सारे वीडियोस बना रहे हैं। आप लोगों को YouTube पे केवल यही एक चैनल मिलेगा जहां पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, और हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। लगभग हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स बाकी है जिन पर हम काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी एक चैप्टर की जरूरत पड़ती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस वीडियो के बारे में आपको लिंक दे देंगे, या फिर अगर वीडियो अपलोड कर बना सकते हैं तो जल्दी बना के अपलोड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम पर बात किए इसका क्लास शुरू करते हैं। तो सारा बैच रेडी है, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन। ये है कोन का एक मॉडल। ओके, कोन के इस मॉडल के बारे में बता दूं, अभिषेक शर्मा, लक्ष्मण मंडल, ये पिछले साल क्लास 10 के बैच में से थे, उन लोगों ने हमें ये मॉडल प्रोवाइड किया था बना के। उनका ही बनाया हुआ ये मॉडल है जो आज हम लोग आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे और सारी चीजों को समझाएंगे। तो ये है हमारे जनरली कोन के इस मॉडल को आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा और इसके एग्जांपल्स भी बोल सकते हैं। कोई एग्जांपल बोलना चाहेगा? ओके, बर्थडे कैप, वेरी गुड, सही है। और कुछ उसके अलावा किसी ने कुछ देखा है? वृत्त? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा नहीं, आइसक्रीम का कोन, रिमेम्बर आइसक्रीम का कोन, ठीक। आप झालू पहुंच गए, चलिए ठीक है, थोड़ा लेवल अप कीजिए, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारे पास एक कोन का एग्जांपल। इस कोन के एग्जांपल्स को आप लोग समझ सकते हैं, पर सवाल उठता है कि इस कोन को बनाया कैसे गया है, और ये बना क्या है, और सबसे जरूरी बात इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, इसमें दो वेरिएबल्स नहीं है सादिया, आपने गलत कहा। इस बार इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि दरअसल ये अगर कोन बना है तो बना कैसे है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, ठीक है। कैसा त्रिभुज? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज के मैं इस पॉइंट को कहता हूं, इसे कहते हैं अक्ष, इसे मैं फिक्स कर देता हूं और बोलता हूं घुमाओ। तो जब आप इसको घुमाएंगे कैसे घूमेगा ना, फिर घूम कैसे आएगा ना, सिर्फ ये बाहर वाला बिंदु घूमने पर देख रहे कौन सा शेप बन रहा है, समझ में आ रहा है? कौन सा शेप बना? कोन, बिल्कुल सही। कौन सा शेप बना? कोन, जिसका हिंदी पूरा नाम है शंकु, पूरा नाम है राइट सर्कुलर कोन, लंबवृत्ताकार शंकु। तो कोन का शेप कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है? किसी एक समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा को अक्ष बना के जब उसको घुमाया जा रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज पे, ये समकोण त्रिभुज है ना, अगर इसको अक्ष रख के आप इसको घुमाएं तो भी ये ऐसे बनेगा ना, पर बनेगा क्या, शंकु ही बन रहा है ना। इस शंकु को देखिए, आपको ऐसे घुमा के चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से शंकु बनता कैसे है, ये बात समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक लंबवृत्त, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। उन तीनों भुजाओं का नाम एबीसी, भुजाओं का नाम एबीसी। आपको पता है समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं को बुलाते हैं, इसे कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस, इसे कहते हैं बेस, आधार, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब। तो कर्ण, लंब और आधार, ये तीन भुजाएं होती हैं, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। और इन पर हमेशा एक पाइथागोरस का फॉर्मूला काम करता है। क्या पाइथागोरस का फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस का फॉर्मूला सबको पता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि 9 में आप लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया होगा। कर्ण स्क्वायर यानी इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पढ़ा होगा ना ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शंकु के केस में ये जो हमारे शंकु बना है, इसमें ये जो तीनों है ना, ये तीनों ही हमारे एक्चुअली वेरिएबल्स है। ये जो बन रहा है, मतलब अगर मैं आपके सामने एक शंकु ड्रॉ करूं, चलिए मैं ऐसे करके सीधा शंकु ड्रॉ करता हूं, देख पा रहे हैं, इसमें एक वेरिएबल ये है, दूसरा ये, और तीसरा ये बन रहा है, ठीक है। इस वेरिएबल को क्या बुलाएंगे, शंकु का ऊंचाई, हाइट, इसे क्या बोलेंगे, हाइट। इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, नीचे में वृत्त बन रहा है ना, तो ये उसका हो गया रेडियस। और ये एक नया वेरिएबल है जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा है, इसे कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या कहेंगे? तिर्यक ऊंचाई, लैटरल हाइट, क्लियर हुआ। तो चलिए इन तीनों वेरिएबल को हम अपने मॉडल में देख लें। देखिए जब आपके सामने मैं ये मॉडल रखता हूं, तो इस मॉडल का कुछ हाइट है ना,
मतलब नीचे मेरे हाथ के तल से लेके यहां तक ये बन गया उसका अंदर से अंदर इसका हाइट, ठीक है। अब सामने आपको क्या दिख रहा है, वृत्त, वृत्त दिख रहा है, तो इसका कोई अर्धव्यास होगा, ये हो गया इसका रेडियस। दो वेरिएबल समझ में आया, देखिए अंदर में इसका जो हाइट है कितना दूर, ठीक, दूसरा इसका रेडियस, तीसरा ये रेड स्ट्राइप देख पा रहे हैं, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं देख पा रहे हैं रेड स्ट्राइप, इस रेड स्ट्राइप को हम क्या बुलाएंगे, ये रेड स्ट्राइप जो हमारे पास है वो है इसका तिर्यक ऊंचाई, क्लियर। इस तरह से अगर आप लोग इस शेप को देख पा रहे हैं तो देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको 2D में दिखाऊं तो आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, हाँ इस कंडीशन में देख पा रहे हैं, तिर्यक ऊंचाई, अर्धव्यास और ऊंचाई, तीनों वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो जी राहुल कुछ कहना चाहते हैं सर, वो भी जो रेड कलर का जो टैग होगी तो लंबे ऊंचाई की बात, ये इसको ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, देखिए ये टेढ़ा है ना, ये तो सीधे ऊंचाई नहीं है ना, इसकी ऊंचाई क्या है, नीचे से यहां तक ये जितना ऊंचा है यही उसकी ऊंचाई हो गई, पर ये जो ऊंचाई है ये कैसी ऊंचाई है, टेढ़ी है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, लैटरल हाइट, क्लियर। तो इसमें अगर आप कभी मैं शंकु बनाऊं तो शंकु में कितने वेरिएबल्स होते हैं, तीन, कौन कौन सा, ऊंचाई, रेडियस, ऊंचाई, अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई, हाइट, रेडियस और लैटरल हाइट, क्लियर। और चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस इस्तेमाल होता है, इसलिए हमेशा इसके साथ ये इस्तेमाल होगा, एल स्क्वायर इज़ टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लैटरल हाइट ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या है, कर्ण है ना, ये लंब है ये आधार है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण की जगह पे बैठ गया एल, ऊंचाई की जगह पे बैठ गया एच और आधार की जगह पे बैठ गया आर, सो बेस, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज़ टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आया। तो कभी भी इन तीनों वेरिएबल्स की बात करें शंकु में तो उसमें तीन चीजें आपस में कनेक्टेड है, कौन कौन सा, एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कितने वेरिएबल है, तीन। आपको पता है ना इस चैप्टर में हम लोगों को तीन चीजें पढ़नी होती है, किसी भी मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर में तीन चीजें होती है, वक्रतल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए इन तीनों फॉर्मूला को वन बाय वन देखते हैं, एक शंकु के इन तीन वेरिएबल्स में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल एच आर से एक फॉर्मूला हमारे पास निकल गया है, एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पर ये कोई शंकु का फॉर्मूला नहीं निकल गया है, शंकु में जितने वेरिएबल्स है वो कनेक्टेड है। आप लोग जब अगले पार्ट को देखेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे, तो अब एक्सरसाइज में सॉल्व करते वक्त देखेंगे किसी क्वेश्चन में ना हमें आर और एच दे दिया गया है, एल की जरूरत है तो एल निकालना पड़ेगा, आर और एच को इस्तेमाल करके, क्लियर हुआ, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आज के सेकंड पार्ट में, मतलब आज ही के क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग एक राइट सर्कुलर कोन यानी लंब वृत्ताकार शंकु उसके पार्श्व तल को जानेंगे, समग्र तल को जानेंगे, ये पार्श्व तल में क्या होगा ये, और समग्र तल में क्या हो जाएगा, पार्श्व तल के साथ साथ नीचे का तल जो कि वृत्त है और इसका आयतन, इन तीनों फॉर्मुला को पढ़ेंगे। चलिए इन तीनों फॉर्मुला को देखते हैं, चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख ले, शेप देख ले। देखिए आप लोगों को पता है ना शंकु दिखने में एक ऐसा शेप है जिसमें ये उसकी ऊंचाई है, ये इसका अर्धव्यास है, ये उसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये हो गया इसका हाइट, ये हो गया इसका रेडियस और यहाँ ये है लैटरल हाइट, तीनों चीजें पता है आप लोगों को। चलिए इन तीनों से एक फॉर्मूला आपके पास क्या रखा हुआ है, एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये याद रहेगा, ये तीनों वेरिएबल को कनेक्ट करता हुआ फॉर्मूला है। अब हम लोग जानेंगे सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व तल या फिर वक्र तल, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कोई बोलना चाहेगा, नहीं याद होगा, चलिए जान लीजिए, यहां फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, केवल दो वेरिएबल होंगे, तीसरा वेरिएबल यूज नहीं होगा, आर और एल यूज होगा। अगर किसी क्वेश्चन में मैं आर और एच बता दूं तो आर और एच को इस्तेमाल करके एल निकाल के बैठाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करते वक्त इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ओके, कर्व सरफेस एरिया का कोई यूनिट बोलना चाहेगा, बिल्कुल सही, वर्ग सेंटीमीटर नहीं यूनिट, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो भी यूनिट दिया रहेगा अगर आर और एल दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो हो जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर हुआ, ये पहला फॉर्मूला हुआ जिसमें हम लोगों ने कर्व सर्फेस एरिया पढ़ा। क्या आप लोग कर्व सर्फेस एरिया समझ रहे हैं, अगर मैं आपको बात करूं इसे तो देखिए इसे मैंने जब बनाया है इसमें अंदर मैंने कोई कागज नहीं डाला, सिर्फ मैंने बाहर से कवर किया, राइट, तो इसमें कर्व सर्फेस एरिया कौन सा है, ये जो मैंने बाहर से ग्रीन कलर का कागज इस्तेमाल किया वही हो गया इसका कर्व सर्फेस। लेकिन जब मैं इसके होल सर्फेस एरिया की बात करूंगा यानी कि अगला फॉर्मूला जो कि है डब्ल्यू एस ए होल सर्फेस एरिया, तो क्या होगा, तो हमें क्या पता है इसके साथ इसमें क्या है, इसका बेस, इसका आधार, आधार दीजिएगा मुझे, थैंक यू। देखिए तो जब होल सर्फेस एरिया की बात करूंगा तो ये होगा कर्व सर्फेस एरिया प्लस इसमें नीचे क्या लगाना पड़ेगा,
इसका आधार, आधार भी दिख रहे हैं, आधार समझ में आया, आधार क्या शेप बन के आया है, आधार का शेप कैसा है, वृत्त। और इसका तो अगर मैं होल सरफेस एरिया पूछूं तो क्या क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार। कर्व सरफेस एरिया क्या है, फॉर्मूला क्या बताया, पाई आर एल। और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हाँ वृत्त है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या करिए साधिया, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या निकल के आया, पाई आर एल, और उसमें क्या जोड़ना होगा, एक वृत्त, वृत्त का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पूरा, पता है किताबों में जनरली ये कर दिया जाता है ऐसे, पाई आर दोनों से कॉमन, एल प्लस आर। पर मुझे ऐसा, मैं इस फॉर्मूला को ऐसे बच्चों को याद करवाना पसंद नहीं करता हूं, मुझे लगता है कि बच्चों को यही फॉर्मूला याद रखना चाहिए ताकि क्वेश्चन को समझ पाए, इस तरह से फॉर्मूला को रट के सवाल बनाना सही नहीं होता। तो आप लोग इस चीज को समझिए, पाई आर के साथ में पाई आर स्क्वायर जोड़ा गया, समझ रहे ना। अगर मैं बोल रहा हूं वक्र तल तो इसकी बात कर रहा हूं, नहीं, तब मैं वक्र तल की बात कर रहा हूं जिसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। और अगर मैं बोल रहा हूं समग्र तल तो किसकी किसकी बात कर रहा हूं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब क्लियर हुआ ये चीज। अब आते हैं इसका आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, नहीं पता है, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका यूनिट क्या होता है तो आपको पता है, इसका यूनिट होगा घन, यूनिट जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यानी क्यूबिक यूनिट। और पिछले वालों को मैं बताना भूल गया, चूंकि एरिया है तो यह हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, पता है ना आप लोगों को, क्लियर हो गया। और वॉल्यूम मतलब पता है, किसी एक कंटेनर के अंदर में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जब, तो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन के आकार का तंबू बनाया गया, तंबू मतलब तंबू जानते हैं, टेंट, टेंट बनाया गया है इस शेप का। तो इसके अंदर में कितनी हवा भरी हुई है, जितना इसके अंदर में जगह है, इसके जितना जितना जगह है उतनी हवा भरी हुई है, तो वो क्या होगा इसका आयतन, वॉल्यूम, समझ आया। जब वो निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। अगर मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो इस चैप्टर में 1 से लेकर 14 तक टोटल क्वेश्चंस है, जिसमें से 8 और 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसे मुझे लगता है चैप्टर के आखिर में बनाना चाहिए, लास्ट तरफ में, उससे पहले 1 से लेकर 14 तक बाकी सारे क्वेश्चंस 8 और 9 छोड़ के आसान लगेंगे आप लोगों को। सेकेंड पार्ट के वीडियो में जब हम लोग इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, 1 by 1 सारे क्वेश्चंस आपको बनाए हुए मिलेंगे। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि 8 और 9 को ज्यादा वैल्यू देके बनाएं, बाकी क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, जरूर बनाइए, अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये था हमारा राइट सर्कुलर कोन के बारे में, राइट सर्कुलर कोन आप लोगों को समझ में आया। चलिए एक जल्दी से रिकैपिटुलेशन करते हैं, क्या सब चीजों को जानते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा, शुरू करें एक बार। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार सब कुछ जाना, शंकु का हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, 3 वेरिएबल होता है, तीनों वेरिएबल का नाम कोई बोलना चाहेगा, किसी को याद है, जी विष्णु बोलिए, तीनों वेरिएबल एच आर और एल। एच है हमारा हाइट यानी ऊंचाई, आर है हमारा रेडियस यानी कि अर्धव्यास, और एल हमारा लैटरल हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, हो गया। आप इस शेप में देख सकते हैं, यही हमारा एग्जांपल है, इसको आप आइसक्रीम के कोन जैसा बोल सकते हैं, आप लोग इसे बर्थडे कैप बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके 3 वेरिएबल्स हो गए एल एच और आर, उन तीनों को कनेक्ट करता हुआ जो फॉर्मूला है वो कोई बोलना चाहेगा, बोलिए साधिया। नहीं, मैंने बोला कि तीनों वेरिएबल्स जो है एल एच और आर, इन तीनों को कनेक्ट करता हुआ कोई फॉर्मूला बोलना चाहेगा, जी सारिका बोलिए। वेरी गुड, एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है वो ये है कि हम लोग इसमें इस चैप्टर में कितने फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो पता है कि 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसमें से पहला होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, दूसरा होगा कर्व सरफेस के साथ साथ इसका होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, क्लियर, और थर्ड होगा इसके अंदर का वॉल्यूम, आयतन कितना है, क्लियर। इन तीनों को जाने, पहला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रंजन बोलिए, पाई आर एल, जोर से बोलिए बाबू, पाई आर एल, और यूनिट क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, यानी कि वर्ग इकाई। अगर मैं बात करूं होल सरफेस एरिया में तो क्या क्या करना होगा, पाई आर एल, उसके साथ में क्या जोड़ना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्थ जो नीचे होता है वो होता है ब्रिज। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास ऐसा एक शेप बनाया गया जिसपे ढक्कन लगा दिया गया, तो ढक्कन जब लगाया जाएगा तो ढक्कन लगाते ही वो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर देना पड़ेगा। आधा ढक्कन कभी किसी में नहीं होता, तो आधा ढक्कन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ढक्कन बोला जाएगा तो पूरा बोला जाएगा, ठीक है, इसलिए हमेशा पाई आर स्क्वायर ही होगा, क्लियर। एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में उससे ज्यादा नहीं है। इसके अलावा वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, कोई बोलेगा, शिवम बोलिए, 1/3 पाई
इंटू एच, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया उसका आयतन का फॉर्मूला जिसका यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट। ये रहा हमारा आज का चैप्टर जो हम लोगों को जानना था। इसके एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए आप हमारे सेकंड पार्ट में जाइए जहां पर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। 1 by 1, 1 to 14 सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। आप लोगों को स्पेशल बोलूंगा स्पेशली चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 8 और 9 को मार्क करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर है। तो चलिए आज के वीडियो को कंक्लूड कर, ये रहा हमारा आज के क्लास जिसमें हम लोगों ने राइट सर्कुलर कोन के बारे में सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना, जो चीजें आप लोगों के जरूरत थी। फलक्रम नाम का एक और पार्ट है इसका जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते थे, लेकिन आज के हमारे सिलेबस में वो इंक्लूडेड नहीं होने की वजह से वेस्ट बंगाल बोर्ड में मैंने इस पर इस वीडियो को नहीं बनाया। अगर फलक्रम से रिलेटेड कोई वीडियो आपको देखना है तो काइंडली हमें कमेंट करके बताएं, हम फलक्रम से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मेनली है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसके में इससे ज्यादा आपके पास कोन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये रहा हमारा आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने कोन को जाना। मैं हूं मोहम्मद शहबाज आलम, आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक किया, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास।